नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर DTH टच पर। आज की लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ DT फ्री डिश की, और साथ ही साथ आज बात होगी स्टार पार्थ की। इसके बारे में आपको जानकारी देंगे कि स्टार पार्थ ने अपनी एप्लीकेशन सबमिट की है, प्रसार भारती को नेक्स्ट ई ऑप्शन पे की पार्टिसिपेट किया है या नहीं, पूरी जानकारी देंगे आपको इसी वीडियो में। आपका अगर रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी वीडियो देखना, वीडियो को स्किप मत करना। जब आप वीडियो को स्किप करेंगे उसके बाद आपको कुछ भी मालूम नहीं चलेगा कि हमने कौन सी नई अपडेट आपके साथ शेयर की है। जब वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को वास्ते वास्ते शेयर कर देना कि हर किसी के पास वीडियो पहुंच जाए। जब आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद जो भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका आपको नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद उस वीडियो को भी आप देख पाएंगे। आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो 8वीं ई ऑप्शन डीटी फ्री डिश की हुई है उसमें बहुत सारे चैनलों ने पार्टिसिपेट किया है, जिनमें से पुराने चैनल चारों के चारों उन्होंने भी एप्लीकेशन अपनी सबमिट करा दी है प्रसार भारती को, और उसके बाद स्टार इंडिया की ओर से स्टार पार्थ की भी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। और भी बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर चुके हैं, अभी सिर्फ इसका रिजल्ट आना बाकी है, जो कि 17 अगस्त को इसका रिजल्ट आएगा। उसमें आपको मालूम चलेगा कि कौन कौन सा चैनल इस पे स्लॉट जीतेगा और कौन कौन सा चैनल ऐड किया जाएगा। सिर्फ थोड़ा चेयर इंतजार करें, कहीं ना कहीं खबर आ रही है कि आपको सबसे बड़ी खबर ये मिलेगी कि जो पुराने चार चैनल ओल्ड डीडी फ्री डिश से रिमूव किए गए हैं वो तो आपको देखने के लिए मिलेंगे, स्टार आपको स्टार पार्थ भी डीडी फ्री डिश पे देखने के लिए मिल सकता है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, आप देख रहे हैं DTH टच चैनल के साथ।